रिमाइंडर देखो रिमाइंडर इससे पहले जो टॉपिक है जीरो एंड रूट्स ऑफ़ अ बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आपने कंफ्यूज नहीं होना बहुत ही सिंपल है ठीक है अगर आप बुक से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट बिना पे कंफ्यूजिंग किया हुआ आप आराम से इसको देखिए यार ये पॉलिनोमियल है भाई पॉलिनोमियल क्या होता है ये तो पता है ना उसमें तो कोई डाउट नहीं है ठीक है ये पॉलिनोमियल है ठीक है तो इससे पूछा जा रहा है कि यार एक बात बताओ अगर मैं ये पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं पी एक्स क्यू एक्स क्यू एक्स आर एक्स जी एक्स एच एक्स कोई भी उसका नाम दे सकते हैं उसमें कोई चिंता नहीं है नाउ अब उसमें उसने x इज टू वन डाल के एक वैल्यू निकाल ली यहाँ पर उसने क्या बोला कि एट एक्स इज टू वन वैल्यू ऑफ द पॉलिनोम इज फोर ये जो मैंने यहाँ लिखा है इसका मतलब समझ आ गया फिर से देख लीजिए अक्षत भाई पी एक्स तो ये है बट अगर मैं x इज इक्वल टू वन डालू इसमें ये देखो इसमें डाला हुआ ना ये वन डाला हुआ है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू एट इक्वल टू वन कितनी होगी फोर ये समझ आएगी मैडम जो लास्ट टाइम किया था रिवाइज कर लीजिए बैठ के मंत्र बोल रहे हैं आप कुछ प्रेयर्स वगैरह तो नहीं कर रहे मैडम नोटबुक में जो किया था आपने उसको पढ़ लीजिए लास्ट दो लेक्चर में हमने जो भी किया उसको पढ़िए तो फिर से अगर मैं इसमें जीरो की वैल्यू डालूं तो p जीरो जो है वो माइनस टू होगा तो कहने का मतलब p जीरो जो है वो माइनस टू होगा भाई ये समझ आ गया तो अक्षर भाई क्योंकि कई बार जनता को यही समझ नहीं आता जैसे p माइनस वन का मतलब ये हुआ कि जो पॉलिनोम है उसमें बस इसकी वैल्यू निकाल दो ये इसका मतलब होता है मैडम जो लास्ट टाइम हमने दो लेक्चर्स में किया है ना जो जो हमने किया बस उसको पढ़िए अच्छा भाई कोई डाउट है तो अगर आप देखेंगे ये पी एक्स क्यू वाई पी टी दिया हुआ है एक्स गोल्ड वन इसका मतलब भाई ये होता है सिर्फ इसके अंदर वैल्यू डाल दीजिए जैसे अगर ये यहाँ दिया हुआ है तो पी ए डाल दीजिए तो क्या होगा फोर ए फोर प्लस फाइव ए क्यू माइनस ए स्क्वायर प्लस सिक्स जो भी आंसर आएगा वो भाई इसका आंसर बेसिकली यही होगा फोर ए फोर प्लस फाइव ए क्यू माइनस ए स्क्वायर प्लस सिक्स बस बात खत्म इससे ज़्यादा और सॉल्व नहीं होगा अक्षर भाई समझ आ रहा है बिल्ली की तरफ देख रहा है। पक्का इससे ज़्यादा ये आगे जाएगा नहीं बस ये इसका फाइनल आंसर है इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए बस ये फाइनल आंसर है जी क्योंकि एस्पोनेट जो है वो डिफरेंट है ये जो ए फोर है ये इससे बात नहीं करेगा ए क्यूब इससे बात नहीं करेगा ये इससे बात नहीं करेगा तो बस ये जो है ये इसका फाइनल आंसर है भाई अरे तिर कोई डाउट है तो आप देखेंगे ना ये यहाँ पर ये जो है ये फाइनल आंसर है यहाँ तक समझ आ गया अब जरा ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है ना कंसीडर द पॉलीनोमियल पॉलिनोमियल पी एक्स इज एक्स माइनस वन ठीक है व्हाट इज पी वन तो कहता है यार पी वन क्या होता है पी वन जो है वो जीरो हो जाता है फिर से पढ़ता है वो ये कह रहा है कि किसमें डाल रहा है आई थिंक किसमें डाल रहा है में डाल रहा है ये अच्छा हाँ तो अच्छा, यहाँ पर एक लाइन लगा लीजिए अलग टॉपिक शुरू कर दिया वो उस। और मेरी बात समझ आ गई लाइन लगा लीजिए शुरू हो गया और फॉर्मेटिंग में कुछ प्रॉब्लम है तो बोला है कि अगर ये पॉलिनोमियल है और यहां पर मैं पी वन की वैल्यू निकालू तो वन माइनस वन इज इकल टू जीरो आ जाएगा तो वन ऐसा आइटम है जो उस पॉलिनोमियल को जीरो बना देता है नहीं समझ में <laughs> तो इसको बोलते हैं वन इजरो पॉलिनोमियल पी एक्स फिर से बताओ मित्रो ये फाइव एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सेवन एक पॉलिनोमियल है फाइव एक्स स्क्वे माइनस थ्री एक्स प्लस सेवन एक पॉलिनोमियल है लेटेस्ट अज्यूम मैं इसको डिनोट कर देता हूँ पी एक्स है अब कोई तो शायद ऐसा नंबर होगा जो मैं यहाँ डालूं तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो वैल्यू जो है वो जीरो आ जाएगी मेरी बात नहीं समझ आई समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं थोड़ा सिंपल कर देता हूँ भाई रित्र बताइए एक्स की कौन सी वैल्यू है जो मैं इसमें डालू तो पी एक्स जो है वो जीरो हो जाएगा वन डाल दीजिए तो पी वन अक्षर भाई फाइव माइनस थ्री माइनस टू इज इक्वल टू जीरो तो वन क्या होगा वन इजीरो ऑफ द पॉलिनोम बहुत बढ़िया अब आप लोग खेलते नहीं हैं शायद अरित्र गांव में को पता हो या नॉर्थ में अभी भी खेलते हैं शायद अरित्र को पता हो पिट्ठू गरम खेला तो पिट्ठू गरम में आपको पता होगा तो आप जोर से बॉल मारते हो इसको तोड़ने के लिए इसको पहले अरेंज करते हो फिर जोर से बॉल मारते हो फिर इसको तोड़ देते हो फिर भागते हो इधर उधर है ना तो खेला है क्या बॉम्बे में तो नहीं खेलते मैं में छोटे शहरों में अभी भी खेलता है तो जोर से बॉल मारते हैं और वो अब एक बार ट्रायल आपको मिला फिर दूसरा मारता है फिर तीसरा मारता फिर वो एक जो है वो उसको शटर कर देता है और फिर सारे इधर उधर भागते हैं और फिर वो एक दूसरे को बॉल मारना शुरू करते हैं वो पिट्ठू गर्म तो ये जो है ये वो एक्स की वैल्यू है जो इसको जीरो कर देती है नहीं समझ में बात बनी नहीं so two two so तो चेक वेदर माइनस टू एंड टू आर जीरो पॉलिनामियल so होगा नहीं समझ में आया जी ध्यान से पढ़िए सिर्फ पढ़िए डाउट है सिंपल वेदर टू एंड जीरो आर जीरोस ऑफ द पोलिनोम तो आपने क्या करना है four जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो तो जी टू और जीरो जो है दोनों ऑफ़ द पॉलिनामियल है नहीं समझ भाई समझ आ रहा है नहीं आ रहा ये जो लिखा जीरो ऑफ अ पॉलिनोम नीड नॉट बी जीरो भाई यहां पर टू जो है वो भी तो सेटिस्फाई कर रहा है तो टू वुड बी कॉल द जीरो ऑफ़ द पोलिनोमियल जीरो नहीं है कि जरूरी नहीं है कि जीरो वुड बी द जीरो ऑफ अ पोलिनोम कोई दूसरा नंबर भी आ सकता है जीरो में भी है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल जी हो सकता है एवरी लीनियर पोलिनोम हैज ओनली वन एंड वन जीरो तो मतलब लीनियर पोलिनोमियल होता है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ये लीनियर का मतलब ये होता है कि जो एक्स है उसकी जो डिग्री है वो वन है क्वाड्रेटिक का जो डिग्री है वो टू है जैसे एक्स क्यूब माइनस वन जो डिग्री है इस पॉलिनोमियल की वो थ्री है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल इसको बोला जाएगा तो वो यहाँ ये लिखा जा रहा है एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली वन एंड वन जीरो लीनियर का भाई एक ही हो सकता है बोलिए शाबाश ना भाई ये थोड़ा अगर आपको कोई डाउट है तो देख लीजिए मुझे पता नहीं है यार गूगल करेंगे तो पता चल जाएगा यार ये लीनियर है कहने का मतलब कि जो पॉलिनोमियल है उसमें जो एक्स है उस एक्स की सबसे बड़ी जो पावर है वो वन है डाउट no ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या मतलब जितने भी एक्स है उनमें सबसे बड़ा जो एक्स है उसकी पावर दो है बट अगर ऐसा लिखा हुआ है, एक्स की सबसे बड़ी पावर थ्री है तो यह क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये अभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोम है पॉलिनोम जीरो तो जी कर लो एवरी लीनियर पॉलिनोम हैज वन एंड ओनली वन जीरो तो यहां ये बोल रहे हैं कि यार जो लीनियर है ये वाला जो है ना इसके तो वन एंड ओनली वन होगा देखिए थ्री की पावर जो है वो जीरो थ्री के बाजू में जो एक्स है उसकी पावर जीरो है hey, तू गेम खेल रहा है लग तो रहा है या कोई डाउट है भाई कुछ पूछना चाहते हैं आप तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोम समझ आ गया पावर और एक्सपोनेंट सेम ही होता है। थ्री का पावर जीरो कैसे हो सकता है ओके यार ये जो थ्री है ना ये जो यहां पर अभी बात चल रही थी हम बात ये कर रहे थे कि ये जो थ्री है इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना क्योंकि एक एक्सरेस फॉर जीरो वन होता है तो इन्होंने बोला कि जो थ्री है उसको आप ऐसे लिख के बता दो कोई डाउट है अक्षर इधन uh, अब तो तू तो स्क्रोलिंग कर रहा है भाई इतने ध्यान से तू पीडीएफ नहीं पढ़ रहा अच्छा पढ़ रहा नाइस nice. यहाँ को कोई डाउट है यहाँ कोई डाउट है ए, एक काम कीजिए ना यार दो मिनट लगा के इसको सॉल्व भी कर लीजिए थर्ड और फोर्थ को मैं आपके सामने स्क्रीन खोल के रखी हुई है सॉल्व कर लीजिए उसके बाद फिर चालू करता है हम सॉरी हम सॉरी टू पॉइंट टू है अगर आपका वो डिफरेंट भी है तो चिंता मत कीजिए ये मैं स्क्रीन खोल कर रखी हुई है फटाफट फड़ कर लीजिए